बेस्ट कंडक्टर ऑफ हिट ऐसे मेटल का नाम जो की बेस्ट कंडक्टर है हीट का सो दिल्वर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अबाना है जो हीट का पर मेटल का नाम बताना है आपको मीनिंग ऑफ माइलेबल एंड डाइल अब आपको माइलेबल और डकटाइल का मतलब बताना है सो इट आंसर इज माइलेबल अ मेटल दैट कैन बी बीटर्न इन टू थिन शीट ऑन हेमरिंग इज कॉल्ड माइलेबल डक्टाइल अ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इंटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टाइल मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसको पीट पीट के पतली शीट्स बनाई जा सके उसको मालेबिलिटी बोलते हैं ठीक है ना जैसे कि आपने अल्मोनियम फॉइल देखी है जो खाना पाक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जो कि अल्मोनियम से बनी है ठीक है ऐसे ही आपका सिल्वर जो सिल्वर वर्क होता है जो कि मिठाइयों वगैरह पे यूज होता है कितनी पतली लेयर होती है वो उसकी तो मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसको पीट कर पतली शीट्स में चेंज कर दिया जाए उसको हम बोलते हैं मालाबिलिटी और जो उससे पतली वायर्स बना दी जाएंगी जैसे कि कॉपर वायर्स होती हैं सिल्वर वायर्स होती हैं उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं नेक्स्ट आते हैं आपके पेज नंबर 46 पे जो क्वेश्चंस दिए हैं इसका सबसे पहला क्वेश्चन है वाई सोडियम केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखा जाता है सोडियम इज अ रिएक्टिव मेटल इफ केप्ट ओपन इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू एक्सप्लोर एंड कैच फायर सोडियम मेटल इज केप्ट इन केरोसिन टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम जो है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है जो कि ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और उसकी वजह से उसके अंदर आग भी लग जाती है तो इसीलिए सोडियम को जो है वो कैरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखा जाता है पूरा डुबा कर रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में ना आए ना ही मॉइस्चर के और ना ही तो कार्बन डाइऑक्साइड के क्योंकि इन तीनों से उसके साथ में उसको ऑक्सीजन मिल सकती है तो इसीलिए ऑक्सीजन से रिएक्शन की वजह से ही उसको कैरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखा जाता है सेकेंड क्वेश्चन इज राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ सबसे पहली है आपकी आयरन विद स्टीम जिसके अंदर आप लिखेंगे दट आयरन रिएक्ट फॉर्म अ मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ फेरियस विद द लिब्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अब यहां पे इस रिएक्शन के बारे में आपको दिया हुआ है कि कैसे जो आयरन है वो वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा और जो फेरियस ऑक्साइड है उसको फॉर्म करेगा मैग्नेटिक ऑक्साइड को और वाटर हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी सिमिलरली सेकेंड के अंदर आपको कैल्शियम और पोटेशियम की रिएक्शन दी गई है वाटर के साथ में कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल इमीडिएटली इवॉल्व हाइड्रोजन गैस एंड कैचेस फायर और इसके अंदर से इमीडिएटली पोटेशियम हो गया सोडियम हो गया ये हाईली रिएक्टिव होते हैं तो ये इसीलिए वॉलेंटली जो है वो रिएक्ट करेगा और इसके अंदर आग लग जाएगी थर्ड क्वेश्चन इज सैंपल्स ऑफ फोर मेटल्स ए बी सी डी वेकन एंड एडेड टू दोल्यूशन वन बाय द रिजल्टो अब यहाँ पे यह जो टेबल दिया गया है इसके अंदर जो, जो रिजल्ट मिले हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है इनकी इन्फॉर्मेशन जो है इस टेबल के अकॉर्डिंगली उसके बारे में आपको जो क्वेश्चन पूछे गए मेटल ए बी और सी डी के बारे में इस टेबल को ही देखते हुए आपने इनके आंसर करना है कि इनमें से आपको सबसे पहले बताना कि कौन सा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है आप बी को क्या ऑब्जर्व करते हैं? अगर बी को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड कर दें और आपको इनकी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली जो है इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ए बी सी डी मेटल्स को सो इट्स आंसर इज सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि कौन सा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है मेटल बी इज द मोस्ट रिएक्टिव एज इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद आयरन सल्फेट सेकेंड में आपको पूछा गया था कि अगर मेटल बी के अंदर हम कॉपर सल्फेट को ऐड करते हैं तो क्या होगा

और जो सी है वो लेस रिएक्टिव है बिकॉज इट डिस्प्लेसेस ओनली सिल्वर फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन एंड डी जो है वो लीस रिएक्टिव है बिकॉज इट कैन नॉट डिस्प्लेस एनी मेटल ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन हेंस द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स इज बी ए सी डी अब यहां पे आपको बताया गया कि जो बी है वो सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव है ए उससे कम है सी जो है लेस रिएक्टिव है ए से भी लेस रिएक्टिव है और डी जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है यानी कि सबसे कम रिएक्टिव जो है वो डी है तो इन्हीं के अकॉर्डिंगली आपने इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था क्वेश्चन नंबर गैस इज प्रोड्यूस्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल राइट द केमिकल रिएक्शन वेन आयरन रिएक्ट विद डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अब यहां पे आपको बताना था कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को Add किया जाएगा किसी एक रिएक्टिव मेटल के अंदर तो उसके अंदर लिबरेट होती है आपकी हाइड्रोजन गैस जब डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम किसी रिएक्टिव मेटल के साथ एड करेंगे जैसे यहाँ पे आयरन को एड किया गया तो इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो गई नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज वट वुड यू ऑब्जर्व विन जिंक इज एडेड टू अ ऑफ आयरन सल्फेट राइड द केमिकल रिएक्शन द टेक प्लेस अब यहाँ पे आपको बताना है कि जिंक जब ऐड किया जाएगा आयरन सल्फेट में तो क्या होगा

एग्जाम्स में ना आपसे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है तो इन क्वेश्चंस को अपनी एटलीस्ट एनसीईआरटी को तो बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करो नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 49 पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट है उसका राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम सेकेंड है आपको शो करना है कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीसरे में आपको शो करना है वट आर आय प्रेजेंट इन आपको किस टाइप के आय प्रेजेंट है इसके अंदर उसके बारे में बताना है सबसे पहले के अंदर आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो कुछ इस टाइप से आप उसको डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे दूसरे के अंदर आपको जो है फॉर्मेशन बतानी है उसकी तो यहाँ पे सोडियम जो है सोडियम और जो सोडियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है किस टाइप से रिएक्ट कर रहे हैं उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है उनका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर जो है वो शो किया गया है यहाँ पे एंड थर्ड के अंदर आपको बताना था कि आयंस किस टाइप के प्रेजेंट है द आयंस प्रेजेंट इन सोडियम ऑक्साइड कंपाउंड दैट इज सोडियम आयंस जो कि पे क्योंकि उसने दो जो है वो अपने दिए हैं ऑक्सीजन को तो इसीलिए उसके पास में टू पॉजिटिव आयंस आए एक एक दोनों से ना दो सोडियम के मॉलिक्यूल्स हमने लिए थे तो दोनों से एक एक लिया तो इसीलिए एक सिंगल प्लस आया बट ऑक्सीजन ने क्योंकि दो लिए थे इसलिए टू नेगेटिव आयंस फॉर्म हुए यहाँ पे एंड द आयंस प्रेजेंट इन मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड दैट इज मैग्नीशियम आयंस अब यहाँ पे इसने अपने दो जो है वो इसीलिए यहाँ पे टू प्लस आयंस आया और ऑक्सीजन ने दो लिए थे इसलिए यहाँ पे टू नेगेटिव आयंस आया देखो कि यहाँ पे जो है ये किस टाइप से यहाँ पे मैग्नीशियम से इसने दो लिए थे ना ऑक्सीजन को दो रिक्वायर्ड थे तो इसीलिए इसके पास में दानवीर बना ना इसने अपने दो दे दिए उसको तो इसी की वजह से इसके पास में प्लस साइन मिल गया इसको और क्योंकि उसने बेचारा ने दूसरों से लिए हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन आया इन चीजों को छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डू आइनिक मेल्टिंग पॉइंट्स सो इट्स आंसर इज The ionic compounds are made up of positive and negative ions. There is a strong force of attraction between the pos oppositely charged ions. So a lot of heat energy is required to break this force of attraction and melt the ionic compounds. Hence ionic compounds have high melting points. आयनिक कंपाउंड जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन से मिलकर बनते हैं अब क्योंकि एक ऑपोजिट साइंस है इन दोनों के तो इसीलिए इस जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और इसको ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिक्वायर्ड रहती है तो इसी की वजह से जो आयनिक कंपाउंड है उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं तो जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं इस आंसर के अंदर उनका आपको ध्यान रखना है कि ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव आयन से मिलकर बनते हैं इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से ऑपोजिटली चार्ज आयन जो हैं वो काफी स्ट्रॉन्गली बाइंडेड होते हैं और इसको ब्रेक करने के लिए इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है हीट एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड रहती है तो इसी की वजह से आने के हाई मेल्टिंग होते हैं ठीक है नेक्स्ट आते हैं आपके पेज नंबर फिफ्टी पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स सबसे पहले आती है मिनरल्स की द नेचुरल मेटीरियल्स इन विच द मेटल्स और दर कंपाउंड इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स सेकेंड है oats,

एक अच्छी मात्रा में एक प्रॉफिटेबल अमाउंट के अंदर कन्वीनियंटली जब आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उसको हम बोलते हैं ओर्स जिससे वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है नेचुरली आपको प्योर मेटल थोड़ी मिलेगा किसी चीज से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना उसको हम ओर्स बोलते हैं गैंग जो है वो इंप्योरिटीज है अनवॉन्टेड रिक्वायर्ड नहीं रहती है बट उस मेटीरियल के साथ नेचुरली उस ओर के साथ पाई जाती है जैसे कि मिट्टी हो गई रेत हो गई सॉल्ट अर्थ पार्टिकल्स हो गए उसको बोलते हैं सेकेंड क्वेश्चन इज नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द्री स्टेट अब आपको दो ऐसे मेटल्स का नाम बताना है जो कि नेचर के अंदर फ्री स्टेट में पाया जाते हैं यानी किम दीज आर दू मेटल्स विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर थर्ड क्वेश्चन इज वट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम एट्स ऑक्साइड कौन सा केमिकल प्रोसेस यूज किया जाता है मेटल को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए रिडक्शन मैथड इज यूज टू ऑप्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल ऑक्साइड इज रिड्यूज टू मेटालिक ऑक्साइड बाई हीट करते हैं तो हमें प्योर जिंक जो है मेटल वो रिसीव होता है सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर आपको लेड ऑक्साइड के बारे में बोला गया कि लेड ऑक्साइड इज रिड्यूज टू लेड बाय हीटिंग विद कार्बन जब हम लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करते हैं तो हमें लेड प्योर प्राप्त होता है और जब हम जिंक ऑक्साइड को जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट किया हमने रिड्यूस किया तो ये मेटल रिड्यूस होकर आपका जिंक जो है वो आपको देगा नेक्स्ट आते हैं आपके पेज नंबर फिफ्टी थ्री पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स अब इनको जब हीट किया जाता है इन सब मेटल्स के साथ में तो उनके रिएक्शन के बारे में आपको बताना है तो इसके अंदर है जिंक ऑक्साइड के साथ में मैग्नीशियम जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसके साथ में जिंक कॉपर और मैग्नीशियम तीनों की कोई भी वो रिएक्शन नहीं है इस चार्ट के अकॉर्डिंगली हमें अपनी ऑब्जर्वेशन शो करनी थी zinc, copper, reactive, अब यहाँ पे क्या है कि आपको लेस रिएक्टिव मेटल के बारे में बताना था कि जो डिस्प्लेस कर सकता है उसको उसकी ऑक्साइड से जिंक जो है वो लेस रिएक्टिव है कॉपर सबसे ही कम रिएक्टिव है तो तीनों की अगर हमें इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे ज्यादा पहले डिक्रीजिंग uh, ऑर्डर के अंदर सबसे पहला आएगा मैग्नीशियम देन उससे लेस रिएक्टिव आपका जिंक सबसे रिएक्टिव जो है वो आपका कॉपर है सेकेंड क्वेश्चन इज विच मेटल डू नॉट क्रोड इजिल अब आपको बताना है कौन से मेटल को आसानी से जंग नहीं लगता इट्स आंसर इज गोल्ड गोल्ड एंड और प्लेटिनम ऐसे मेटल्स है जिनको जंग नहीं लगता है थर्ड क्वेश्चन इज वट आर अलॉयज अलॉयज क्या होते हैं सो इट्स आंसर इज एन अलॉय इज अ अमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल फॉर एग्जाम्पल ब्रॉन्स इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन यहाँ पे आपको अलॉय के बारे में जैसे बताया गया कि अलॉयज है वो होमोजीनियस जिसमें दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिलाकर अलॉय फॉर्म होता है या फिर आप मेटल और नॉन मेटल को भी मिक्स कर सकते हैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया आपको वो ब्रॉन्ज का है कि वो कॉपर और टिन को मिलाकर ब्रॉन्स जो है वो आपको मिलता है मेटल इसके बाद आते हैं आपके पेज नंबर फिफ्टी सिक्स के क्वेश्चन आंसर सो जिसका सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको इन पेयर के अंदर से बताना है कि कौन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड सल्फेट या फिर सिल्वर नाइट्रेट इनमें से कौन सा जो है वो डिसमेंट रिएक्शन शो करेगा सो इट्स आंसर इज डी दैट मीन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग अब यहाँ पे कौन सा मेथड ऐसा है जिसकी वजह से आप लोहे के एक फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचा सकते हो यहाँ पे आपको ग्रीजिंग पेंटिंग कोटिंग ऑफ जिंक सबके बारे में दिया गया और डी है ऑल ऑफ ऑफ द सो इट्स आंसर इज अप्लाइंग अ कोट जिंक दैट विल हेल्प यू हेल्प द फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग इट विल प्रिवेंट द फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग इस क्वेश्चन के अंदर ग्रीसिंग और पेंटिंग को क्यों नहीं यूज किया गया कई सारे बच्चे इसके अंदर ये तीनों क्योंकि आयरन को जंग लगने से बचाने के मैथड हैं तो बच्चे डी पर जो है वो आंसर मार्क कर देते हैं बट ऑल ऑफ द वर्व इसलिए नहीं है क्योंकि जो आपका फ्राइंग पैन है ऑब्वियसली आपने उसको गैस पे यूज करना है अगर मैं ग्रीस करूंगी तो वहां पे तो आग की आग के कॉन्टेक्ट में आएगा पेंट भी आग लगने से आग के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से खराब हो जाएगा क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली गर्म हो रहा है बट इन स्टेड अगर मैं उस पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं हम तो दैट विल प्रिवेंट दर एंड पैन फ्रॉम रस्टिंग थर्ड क्वेश्चन एन एलिमेंट रियक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट This compound is also soluble in water. The element is likely to be क्या होगा अवेल्यूबल कैल्शियम कार्बन सिलिकन या आयरन इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऐसा कंपाउंड फॉर्म करेगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होगा सो so इट्स आंसर इज कैल्शियम. कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई रहेगा एंड दिस कंपाउंड विल ऑल्सो भी सोल्युबल इन वॉटर फोर्थ क्वेश्चन इज

खाने के साथ रिएक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसीलिए फूड किन्स के अंदर जो है वो टिन को यूज किया जाता है इनस्टेड क्वेश्चन यू आर गिवन अ ऑफ अ इज मेटल कैन बी बीटन इन टू थिन नॉट बी बीटन विदर टू फॉर्म थिन मेटल्स ब्रेक इंटू पीसेज Metals are malleable while non-metals are non-malleable. When metals are connected into circuit using a battery, bulb, wire, and switch, current passes through the circuit and the bulb glows. When non-metals like sulfur are connected, the bulb does not light up at all. Metals are good conductor of electricity. B part assess the usefulness of these tests in distinguishing between metals and non-metals. So its answer is. बिकॉज ऑफ माइलेबिलिटी मेटल्स कैन बी कास्टेड इन टू थेट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो दीज कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिकल केबल्स अब बच्चा यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कि अगर आपको एक हैमर बैटरी बल्ब वायर और स्विच दिया जाएगा तो आप कैसे बता सकते हो कि जो भी कोई मेटल का सैंपल है वो मेटल है या नॉन मेटल है इसके अंदर क्या है कि जो मेटल का सैंपल है उसके अंदर हैमर के थ्रू हम उसको चेक करके देख सकते हैं कि हैमर करके देख सकते हैं कि उससे पतली शीट्स बन रही है या नहीं अगर बन रही है क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो मायलेबल होता है अगर वो शीट्स बन रही है तो वो मेटल है अगर नहीं तो वो नॉन मेटल है क्योंकि नॉन मेटल जो है वो नॉन मायलेबल होते हैं सिमिलरली जो ये बैटरी बल्ब और वायर स्विच दिया हुआ आपको इनको यूज करके आप चेक कर सकते हो इनको कनेक्ट करके एक सर्किट फॉर्म होगा अगर बल्ब ग्लो कर गया जल गया वो ठीक है ना तो उसके उससे ये पता चलता है कि वो मेटल है क्योंकि मेटल्स को जो है जब हम कनेक्ट करते हैं मेटल जो है अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और अगर वहीं पे अगर हम नॉन मेटल जैसे कि सल्फर है उसको कनेक्ट करते हैं तो बल्ब तो जलेगा ही नहीं उससे तो उससे आपको पता चलेगा कि वो मेटल है या नॉन मेटल है अब यहाँ पे आपको बी पार्ट के अंदर बोला गया कि आपको ये बताना कि इन टेस्ट की क्या यूजफुलनेस है इस चीज को डिटरमाइन करने में कि ये मेटल है या नॉन मेटल अब यहाँ पे आपको पता चलता है कि उनकी माइलेबिलिटी जो कि एक प्रॉपर्टी है जो कि मेटल्स की है इसकी वजह से उनसे पतली शीट्स बना सकते हैं हम उनको अलग अलग चीजों में कास्ट कर सकते हैं अलग अलग चीजें बना सकते हैं उनको शीट्स भी बना सकते हैं उनकी और मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के इसीलिए उनको इलेक्ट्रिकल केबल्स में भी यूज किया जाता है यहाँ पे आपको उनके यूजेस बताने थे कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हो द सिक्स क्वेश्चन वट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एम्फोटेरिकाइड कौन सी होती है ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस

नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डायल्यूट एसिड एंड टू मेटल्स विच विल नॉट अब आपको दो ऐसे मेटल्स के नाम बताने जो कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे और दो ऐसे जो कि नहीं करेंगे जिंक और मैग्नीशियम ऐसे दो मेटल्स हैं जो कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे डायल्यूट एसिड में से क्योंकि ये दोनों के दोनों बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स है गोल्ड एंड सिल्वर गोल्ड और सिल्वर ऐसे मेटल्स हैं जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेंगे डायलूट एसिड के साथ में बिकॉज ये जो है वो लेस रिएक्टिव है जिंक और मैग्नीशियम जो कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे जब वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या हैं वेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं अब जो गोल्ड है और सिल्वर ये दोनों जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों लेस रिएक्टिव हैं ठीक एट क्वेश्चन इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल एम वट वुड यू टेक एज द अनोड एंड कथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट सो इट्स आंसर इज In the process of electrolytic refining of metal called M, an impure and thick block of metal M is considered as an anode. A thin strip of wire of pure metal M is taken as cathode. A suitable salt solution of metal M is considered as the electrolyte. इसके अंदर electrolytic refining जो किसी metal M की हो रही है, उसके अंदर उन्होंने बोला कि जो impure part है उस metal का उसको लेंगे हम anode पे, और जो thin strip होगी उसी की pure metal की

सबसे पहले आपको बताना है कि इस, का पेपर पे कैसा होगा। दूसरा है आपका, इस आंसर को आप कैसे लिखोगे सबसे पहले ए पार्ट के अंदर आपका है कि जब सल्फर पाउडर को हम बर्न कर रहे हैं एयर के अंदर तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है उसी के बेसिस पे आपका फर्स्ट पार्ट है कि इसके अंदर कोई भी इफेक्ट जो है वो ड्राई लिटमस पे नहीं नजर आएगा दूसरे के अंदर आपको मॉइस के लिए पूछा था तो मॉइस लिटमस पेपर को ये जो है वो ब्लू टू तो रेड के अंदर टर्न कर देगा जब ये सल्फर डाइऑक्साइड के कॉन्टेक्ट में आएगी क्योंकि पानी की वजह से वो सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म हो रहा है वहां पे और उसके बाद इसकी एक बैलेंस रिएक्शन आपको लिखनी थी तो वो है आपकी इस प्रकार से कि जो सल्फर है और ये मिलकर आपके सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं और जो ये सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करिए तो ये सल्फ्यूरस एसिड जो है वो फॉर्म कर रही है

और दूसरा दूसरा आप अगर उसके ऊपर ऑयल या फिर ग्रीस को अप्लाई करते हो उसके सरफेस पे दोनों की दोनों चीजों का काम क्या होगा कि जो भी हवा में मॉइस्चर है वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आएगा और उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसकी वजह से आयरन को जंग नहीं लगेगा ठीक है इलेवन क्वेश्चन वट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्मड वेन नॉन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन किस टाइप के ऑक्साइड फॉर्म होते हैं जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं सो इट्स आंसर इज When non-metal कंबाइंड with oxygen, they form either acidic or neutral oxides. For example, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए गए और ये जो है आपका न्यूट्रल ऑक्साइड का है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो नॉन मेटल्स कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में तो वो यहाँ तो एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं ट्वेल्थ गिव रीजन ए पार्ट है आपका प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी अब यहां पर आपको इसका रीजन बताना कि क्यों यूज किया जाता है सो इट्स आंसर इज प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दीज आर माइलेबल एंड डाइट दीज आर हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन अब यहां पे क्या है कि ये तीनों को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनकी माइलेबिलिटी और डक्टिलिटी बहुत ज्यादा है यानी कि इनको पीट कर पतली शीट्स में भी और पतली वायर्स में भी बनाया जा सकता है और ये जो है हाईली रेजिस्टेंट है टू क्रोजन यानी कि इनको जंग नहीं लगता है बी पार्ट के अंदर आपको बोला गया है सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल इनको ऑयल के अंदर क्यों स्टोर किया जाता है इट्स आंसर इज सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर वेरी रिएक्टिव एंड कैच फायर वेन एक्सपोज टू एयर दिस इज ड्यू टू लो इग्निशन टेम्परेचर एंड हाई रिएक्टिविटी अब क्योंकि इनका टेम्परेचर लो इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम है और ये हाईली रिएक्टिव है इसी की वजह से ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं जब ये एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं यानी कि ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो इसी की वजह से इनको जो है ऑयल के अंदर स्टोर करके रखा जाता है सी पार्ट है

बाकी चीजों के साथ रिएक्ट करने से प्रिवेंट करती है बचाती है कि वो चीजों के साथ रिएक्ट ना करे पार्ट इज कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर सल्फाइडेड इंटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन अब यहाँ पे जो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स हैं, इनको ज्यादातर ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है जब एक्सट्रेक्शन की जाती है बिकॉज इट इज ईजियर टू ऑप्टेन मेटल्स डायरेक्टली फ्रॉम द ऑक्साइड देन फ्रॉम द कार्बोनेट एंड सल्फाइड

और बेसिक कॉपर कार्बोनेट प्रेजेंट ऑन द सरफेस और टॉनिश कॉपर शाइनिंग रेड ब्राउन अगेन आर वेरी इफेक्टिव इन क्लीनिंग टॉनिश कॉपर वेसल अब यहाँ पे बच्चा आपको बोला गया कि जो बर्तन है कॉपर के उनको साफ करने के लिए नींबू और इमली का इस्तेमाल क्यों किया जाता है क्योंकि ये दोनों खट्टे हैं यानी कि ये दोनों एसिड है और इसी के वजह से इसके ऊपर जो कॉपर के बर्तनों के ऊपर एक कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर आ जाएगी और या फिर जो एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट फॉर्म हुआ होगा उसके सरफेस के ऊपर उसको हटाने का काम करते हैं ये और इसी की वजह से जब वो ऊपर से क्लीन हो जाती है वो लेयर्स कॉपर जो है वो रेड ब्राउन कलर के अंदर अगेन चमकना शुरू हो जाता है उसका सरफेस और इसीलिए इनको ये चमकाने के लिए साफ करने के लिए इन बर्तनों को ये ज्यादा इफेक्टिव है फोर्टीन क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मेटल एंड अ नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज सो इस क्वेश्चन के अंदर आपको मेटल और नॉन मेटल को जो है उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली डिफ्रेंशिएट करना है तो सबसे पहले आते हैं आपके मेटल्स जिसके अंदर है कि मेटल्स को जब ऑक्सीजन के साथ हम हीट करते हैं तो वो आयनिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं जो कि बेसिक इन नेचर है इस चीज का आपको ध्यान रखना है और जो नॉन मेटल्स को जब हम हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो कोवलेंट फॉर्म करते हैं जो कि एसिडिक इन नेचर है है ठीक इन छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना मेटल जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं यहां पे आप लिख सकते हो कि जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्यों है क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे इसीलिए वो पॉजिटिव हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये बेचारे दूसरों से गेन कर रहे हैं मेटल्स जो है उनमें चमक होती है लस्टर होती है और यहाँ पे जो नॉन मेटल्स हैं उनके अंदर नॉन लस्टर्स होते हैं एक्सेप्शन इसके अंदर सिर्फ ग्रेफाइट है ग्रेफाइट के अंदर चमक होती है मेटल्स जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और नॉन मेटल जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है नॉन मेटल जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है इसके अंदर भी एक्सेप्शन आपकी ग्रेफाइट ही है ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है कई बार आपसे इसके एक्सेप्शन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना

The bangles sparkled like a new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty repeat. Can you play the detective to find out the nature of the solution he has used? So, its answer is the goldsmith used a solution called aqua regia, which is referred to as royal water in Latin. It is the mixture of टेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक रेशियो ऑफ थ्रीज टू वन एक्वर इच इज के गोल्ड एंड प्लेटिनम वेन अपर लेल गोल्ड ऑर्नामेंट इज डिजोल्ड दे लूज येट अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला गया था कोई गोल्ड स्मिथ यानी कि सोनार है वो सोनार जो है वो दरवा डोर टू तो डोर जा रहा है और वो ये बोल रहे की मैं एक गोल्ड स्मिथ हूं और वो कहता है कि आपके पुराने डल जो गोल्ड ऑर्नामेंट है मैं उनकी चमक वापस ले आऊंगा तभी एक लेडी जो है वो उसको अपने गोल्ड के बैंगल्स देती है जिसको वो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर डिप करता है और उनकी चमक वापस आ जाती है उन बैंगल्स की बट उसकी वजह से उसका वजन कम हो जाता है जो उसका वेट था गोल्ड बैंगल्स का वो कम हो जाता है इसकी वजह से वो लेडी जो है वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो उस व्यक्ति पे गुस्सा करना शुरू कर देती है तो अब यहाँ पे आपको एक डिटेक्टिव रोल प्ले करना था और आपको बताना था कि वो सॉल्यूशन का नेचर क्या है जो उसने इस्तेमाल किया

जो वेट है वो इसलिए कम हुआ था क्योंकि उसके ऊपर डल जो गोल्ड की ऑर्नामेंट की लेयर थी वो डिजोल्व हो गई थी जिसकी वजह से उसका वेट कम हो गया सिक्स गिव रीजन वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वॉटर टैंक्स एंड नॉट स्टील एंड अलॉय ऑफ आयरन अब आपको बताने कि कॉपर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है हॉट वाटर टैंक्स बनाने के लिए स्टील को नहीं कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टील सेकंड कॉपर डज नॉट करोड इजीली बट स्टील क्रोड इजीली थर्ड कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ वॉटर एट एनी टेम्परेचर वेयर एज आयरन रिएक्ट विद विथ वॉटर ऑन हीटिंग अब यहां पे आपको तीन पॉइंट दिए गए हैं कि क्यों कॉपर को इस्तेमाल किया जाता है हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए स्टील को नहीं क्योंकि कॉपर जो है वो ज्यादा बेटर कंडक्टर है हीट का एज कंपेयर टू द स्टील कॉपर जो है उसको आसानी से जंग नहीं लगता है बट स्टील को एज कंपेयर टू द कॉपर जंग लग जाता है कॉपर जो है वो आसानी से पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, किसी भी टेम्परेचर पे बट स्टील uh, के अंदर क्योंकि आयरन प्रेजेंट है तो इसी जब पानी उसमें गर्म किया जाता है तो उसकी वजह से आयरन के होने की वजह से उसमें प्रेजेंट होने की वजह से उसको जंग लग जाता है आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन आंसर को याद करना और समझना आसान हो गया हो अगर, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं है सजेशन तो मुझे प्लीज कॉमेंट्स में लेकर जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी है यहां तक देख लीजिए तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक करना और अगर अभी तक सी एस पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब Thank you. Keep watching. Keep learning with CSL.